वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद खजुराव में, ये हमारा तीसरा दिन है और रात रुकने के बाद हम सेम होटल में मतलब पन्ना गए, वहाँ पे टाइगर्स देखे, सफारी की और फिर वापस आ गए रात को यहाँ खजुराव। और अभी हम जाना है राने वाटरफॉल, ये सामने देखो बिल्कुल गेट पे खड़े हैं और हमारे मित्र जो हैं टिकट बनवाने गए हैं केन घड़ियाल अभ्यारण्य और इसी में है वो वाटरफॉल। यहाँ पे घड़ियाल देखने को भी मिलेंगे शायद, क्यों डॉक्टर साहब? Take the next right onto Rana Falls Road, then slide left to stay on Rana Falls Road. Okay. तो आगे जाके हमको लेफ्ट लेना है Rana Falls के लिए, ऐसा बोल रही है, राइट लेना सॉरी। तो वीडियो में बने रहना west, then turn right. तो भैया वीडियो में बने रहना, पसंद आए तो लाइक कर देना। ये काफी फेमस है, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला था ना उसमें 5 अलग अलग तरह के खनिज निकले थे जो कि 5 अलग अलग रंगों में है, जिसमें ग्रेनाइट भी है और भी कई तरह के हैं। तो वहीं जाके अपने को पता चल जाएंगे तो मैं बता दूंगा वो। तो वीडियो में बने रहो, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लो vinod_prajapati21। और गाड़ी जो है हमने 478 किलोमीटर चला लिए और इसने काफ़ी सहारा दिया, लेकिन बीच में हमने कुछ ऑटो वालों से इनकी सलाह पे पूछ लिया और उन्होंने हमें भटका दिया लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। तो अभी विकिपीडिया पे हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि 2017 में इस वाटरफॉल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा वाटरफॉल का अवार्ड मिला है, श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड। देखो आप, श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से नवाजा गया है 2017 में से, मतलब इंडिया में जितने भी वाटरफॉल में ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाली जगह है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। आप पिक्चर्स देखोगे ना, पिक्चर्स क्या ओरिजिनली दिखाएंगे वहाँ पे। ये डुडुमा है। अच्छा चलो वहीं ओरिजिनली दिखाते हैं फिर। भैया टिकट ले लिया, 700 रुपये का है, 4 लोग हैं हम और हमारे साथ ये गाइड साहब जाएंगे जो हमें बताएंगे कहाँ जाना है, कैसा क्या है। और अब जा रहे हैं अपने, गेट खोल दिया है भाई साहब, जो हिंदुस्तान के प्रमुख 25 वाटरफॉल हैं उनमें ये श्रेष्ठ है। अच्छा ये केन रिवर है, आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये पूरा इस ये पत्थर है उसका पानी, अभी यहाँ बरसात हुई नहीं है और चूंकि हम भोपाल में अच्छा पानी गिरा है और यहाँ बरसात काफ़ी कम हुई है। तो हम लोग आ गए हैं, ये है रने वाटरफॉल का स्पॉट और हमारे साथ गार्ड साहब भी हैं। और अभी आते वहाँ पर रास्ते में बहुत बड़ा जो छिपकली बोलते हैं ना, जिसे हमारे इधर वो क्या बोलते हैं उसको, गोयरा है ना, मतलब जो डायनासोर की प्रजाति का जो रह गए हैं ना छिपकली, फुसकारता है वो, काफ़ी डेंजरस है। और ये देखो यहाँ पे सारी डिटेल दी है, केन घड़ियाल अभ्यारण खजुराहो है ना, इनकी दिशाओं की स्थिति भी है, सागौन सेज चिड़ौल सगई ये सब वृक्ष वगैरह हैं, सारी जानकारी आप पॉज करके पढ़ लेना। अच्छी बात ये देखो, सबसे अच्छी बात जो आप सुन रहे होगे, हम पन्ना के बागों से प्यार करते हैं। हाँ यहाँ पे हम पन्ना के बागों से प्यार करते हैं और कल हम इन बागों से मिल चुके हैं, वो भी 3 बहुत पास से, मज़ा आ गया था भाई साहब। ओपन जीप में गए थे हम, जिप्सी में, और बुलबुल वो भी ओपन थे, हाँ लोग भी ओपन थे ना, हम उनसे डरे ना वो हमसे डरे। और ये हम आ गए हैं रने वाटरफॉल। अरे वाह यार, अरे वाह, आप सामने देख रहे हैं क्या व्यू है, क्या शानदार व्यू है भाई साहब, ये देखो आप गजब, पानी की रफ्तार देखिए भैया गजब। पानी जो है केन नदी है ये और चट्टानों पे से बहते हुए इस तरह से आ रहा है। तो ये जो वाटरफॉल है काफ़ी मेहनत लगी यहाँ तक आने में, काफ़ी ऊंचाई से पानी गिर रहा है भर भर के और आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। और यहाँ से वहाँ तक अपन देखेंगे ना तो अलग अलग तरह की रॉक्स जो हैं हैं, जैसे कि आप यहाँ देखो तो वो ब्लैक कलर की है, ये रेड वाली ग्रेनाइट है ना, और भी कलर की हैं, भैया से पूछते हैं अपन।
प्लेस है, इस प्लेस के नाम है रने वाटर फॉल, यानी रनिंग सीजन वाला फॉल। ठीक है, रनिंग सीजन में आप लोग आएंगे। वैसे अभी तो इसका जो डैम बताया था, डैम का पानी आया है, मैंने इसका टाइम रहता है जुलाई अगस्त सितंबर, थोड़ा बहुत अक्टूबर तक इसका वाटरफॉल बनता है। जैसे कि आप लोग ये पॉइंट बने हुए हैं, आप इस पॉइंट पर 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे तो आप लोग भीग जाएंगे। यहाँ जी, यहाँ पर इसका जो सर रॉक से ये हर जगह से इसका वाटरफॉल बनता है, हर जगह से जी। और ये सर रिवर है, इस रिवर के नेम है केन रिवर, इसका हिंदी नेम कर्णावती है और इंग्लिश नेम इसका केन रिवर है। इस रिवर की स्टार्टिंग यहाँ से 125 किलोमीटर विंध्याचल माउंटेन कटनी जिला MP, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये नीचे 200 किलोमीटर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ज्वाइंटिंग होती है। अच्छा, पहले ये बांधा जाएगी, बांधा क्रॉस करती जाएगी चिल्ला घाट, चिल्ला घाट से ज्वाइंट होगा यमुना जी से और यमुना जी का ज्वाइंट हो जाएगा गंगा जी में। ये सर जो आप लोग रॉक्स देख रहे हैं, ये पूरा वोल्केनो का इग्नियस रॉक है। यहाँ पर कभी वोल्केनो आया था ज्वालामुखी, बताया जाता है कि 460 मिलियन ईयर्स पुराना है ये। जैसे कि ये 5 कलर का रॉक्स है, कहीं ब्लैक दिखेगा, कहीं रेड दिखेगा, कहीं पिंक दिखेगा, कहीं ब्राउन दिखेगा, कहीं ब्लैक दिखेगा। अच्छा, ये पूरा वोल्केनो से बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, जहाँ से हमें अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। और ये सब ज्वालामुखी वाले रॉक्स ही हैं जिन पर अभी अपन चल रहे हैं, अलग अलग कलर्स में भी देखने को मिलेंगे आगे अपने को। ज्वालामुखी यहाँ निकला था, मेन पॉइंट कहाँ है भैया? बता रहे हैं आने वाले फ्यूचर में यहाँ से जो मेन जो वाटरफॉल है जो बहुत बड़ा है वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ पे फॉरेस्ट वाले सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक ब्रिज बना दिया जाए वहाँ तक जाने के लिए, अभी वहाँ पे जाना मना है, ये उस पार है नदी पे। पहले लोग जाते थे, पहले जाते थे, अब नहीं जा पाते, इसलिए बंद हो गया है क्योंकि लोग जाते थे और जो डैम वाले कभी भी पानी बिना बताए पानी खोल देते थे तो उसमें कुछ लोगों को इंजरी हो जाती थी, उससे बचाव के लिए किसी को पता नहीं एकदम से खुल जाए। अरे गजब यार, देखो तो पानी जो आ रहा है केन नदी का आ रहा है। पानी का जो स्रोत है केन नदी है। ये है सर क्रेटर, ये गोल चक्र दिख रहा है, इसी में से विस्फोट हुआ था जी सर। ये जो रॉक जो अपना क्रेटर है यहीं से वोल्केनो निकला था। अच्छा, ये कई मिलियन ईयर्स पुराना है। और ये सर 5 कलर का जो रॉक बताया था वहाँ पे थोड़ा येलो कलर में दिख रहा है वो वाला, उसके जस्ट बगल से ब्राउन में दिख रहा है, वो रेड में दिख रहा है, ये ब्लैक में दिख रहा है और थोड़ा सा व्हाइट में वहाँ पे दिख रहा है। अपन लोग पीछे छोड़ कर आए हैं, ये 5 कलर का रॉक से जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट, जस्पर, डोलोमाइट, ये 5 कलर का रॉक से जो ज्वालामुखी से बना हुआ है। ये जस्पर कौन सा इनमें से ब्लैक? सर जो जस्पर है वो रेड वाला है। अच्छा, जो ब्लैक है ये बेसाल्ट है, जो ब्राउन में दिख रहा है ये क्वार्ट्ज है, और जो येलो में दिख रहा है डोलोमाइट है, और जो पिंक में ये वाला है ये ग्रेनाइट है। अच्छा, यहाँ पे 5 कलर का रॉक से जो वोल्केनो से बना हुआ है। ये जो है वोल्केनो यहाँ से हुआ था विस्फोट, जिसमें से ये सारा लावा निकला था, और जो कि अब ये मतलब अब तो ये एक्टिव है नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में निकला था ये, बहुत पहले, तब इतना पुराना है ये। इस जगह पे आके ऐसी अनुभूति हो रही है कि अपन पृथ्वी पे नहीं है भाई साहब, किसी एकदम अनोखे ग्रह पे हैं। यहाँ से आप इसकी सुंदरता को निहार सकते हो। और अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ ना, ये देखो आप, गजब वाला नज़ारा है यार। रॉक्स देखो आप कैसी दिख रही है, ऐसा मंगल वंगल ग्रह पे आ गए हो अपन। हर जगह से पानी जो है आ रहा है, वहाँ से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, पानी की आवाज ही इतनी तेज आ रही है यार, एकदम सुंदर नजारा। अभी हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे भाई साहब, खूबसूरती जो है अद्भुत है और हमारे डॉक्टर साहब अभी पिक्चर्स लेने में बिजी हैं। और अभी हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे, वहाँ से और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा आगे तक का, जहाँ पे नदी गई है। सामने जो है एकदम गजब वाला नज़ारा है, बहुत भारी मात्रा में, मतलब वहाँ जो देखा था ना उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, डबल है। 30 मीटर। अच्छा, हाइट भी ज़्यादा है जी सर, दुगनी हाइट है वहाँ पे, भैया बता रहे हैं वो 30 मीटर है, वो 60 मीटर है।
और इसके बाद सीधा जंगल शुरू हो जाता है, मतलब जो लिमिटेड ही हुआ था फैलाव लावा का। सबसे प्राकृतिक चीजों की होड़ नहीं होती तो अपने अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है, दूसरा इंडिया में अपना ये ग्रैंड कैनियन। और इस टाइम में जैसे कि आप लोग जनवरी फरवरी में आएंगे तो आप लोगों को इंडिया का ग्रैंड कैनियन होगा ये, क्योंकि जो अभी अपन लोगों ने इसका पानी देखा है, ये जब पानी निकल जाएगा तो यहाँ पे जो रॉक्स है ये पूरा डायमंड कहीं चमकता है सर, जैसे अपना डायमंड चमकता है। हाँ। यहाँ पे ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसी से ज्वाइंट रिवर है। हाँ। तो ऐसे ये रॉक्स रखते हैं, जैसे कि अपन लोग ये डायमंड देख लें। हाँ। या इसको देख लें। तो ये रॉक्स जो है डायमंड की तरह चमकते हैं भैया बता रहे हैं, और वहाँ तक देखो आप तो क्या खूबसूरती है यार, गजब वाली खूबसूरती है। तो यह वाटरफॉल देख लिया है, एक बजने वाला है और हम सिर्फ घर के लिए निकलेंगे यहाँ से, अब कहीं नहीं जाना है। और देखते हैं शाम को 9-10 बज जाएंगे, क्यों 10 बजे तक आशा करते हैं हम पहुँच जाएंगे। 7 घंटे और 1 घंटे का लंच, 1 घंटे का लंच भी करना है ना। हाँ पहुँच जाएंगे 10 बजे तक आराम से, तुम्हारे ऊपर है। हाँ ठीक है हमारे ऊपर ये। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, इंस्टा पर फॉलो कर देना, साइड में आईडी आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सामने खड़ी है भैया अपनी गाड़ी, अंदर का जंगल है। हाँ जंगल जंगल बताया। तो भैया हम लोग हैं अभी छतरपुर में और टिकिया पी रहे हैं, वो भी ये कागज क्या है, ये दोना 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 पत्तों के दोना में। अच्छा हाथ में काले, हाथ में इस काले वो तो पहले तो मैंने कर दूं ले। अब जब पैकेट में ना छोटा बच्चा देखो वो कहां ना वो बारे में बन रहा होगा जो बहुत खतरनाक है, तो कहां को जो हां ये वो है अलग प्रजाति को जो गुजारे कि सब पक्का है। खा लो खा लो। वो केला खा रहा है एक बच्चा, वो